Hello dear, welcome to this lecture. My name is Dr. Mubashshar, PhD scholar. Our topic is biological safety cabinet. Biological safety cabinet is very important for medical lab professional, medical lab technologist, biomedical engineer, and also for infectious control. In this lecture, we will see the biological safety cabinets and its type, like laminar flow hood and biological safety cabinets, and then biological safety cabinets are divided into three classes. First one is class one biological safety cabinet, then class two biological safety cabinet, and the last one is class three biological safety cabinet. Class two biological safety cabinet are divided further into four classes: A1, A2, B1, and B2. First of all, we will see the definition of biological safety cabinet. Biological safety cabinets are designed to protect the operator, the laboratory worker, the laboratory environment, and then the working material product from exposure to infectious aerosol and splash that may be generated when manipulating materials containing infectious agents such as primary culture, stocks, and diagnostic specimen. जो biological safety cabinet होता है basically क्या करता है कि जब हम material के साथ कोई भी हो सकता है, वो इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं, लाइक वो कल्चर्स हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है, डायग्नोस्टिक स्पेसिमेन हो सकते हैं, जब हम उनके साथ काम कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि एरोसोल जो पार्टिकल्स होते हैं या स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, और वो जो एरोसोल्स होते हैं या जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे जो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट होता है वो ऑपरेटर को भी प्रोटेक्ट करता है, लेबोरेटरी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, and then the working material or product on which we are working in the lab or in the biological safety cabinet, ye usko bhi protect karta hai. Ab sabse pehle hum dekhenge aerosol particle ko. Aerosol particle basically kya hote hain, ye kaise generate hote hain, are created by any activity that imparts energy into a liquid or semi solid material. As hamare paas koi bhi लिक्विड हो सकता है, कोई भी सेमी सॉलिड मटेरियल हो सकता है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, उससे उसके ऊपर जो हम डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एरोसोल पार्टिकल्स जनरेट होते हैं. वो एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं, वो शेकिंग हो सकती है, पोरिंग हो सकती है, स्टीरिंग हो सकती है, और ड्रॉपिंग लिक्विड ऑन टू ए सर्फस और इन टू अनदर लिक्विड. अगर हम एक लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड के अंदर उसको पोर कर रहे हैं, और उसके अलावा जो स्टिकिंग एगर प्लेट्स है, इनोकुलेटिंग सेल कल्चर है, फ्लास्क विद विद ए पाइपेट, होमोजेनाइजिंग है कि अगर हमारे पास दो लिक्विड हैं, अगर हम उनको मिक्स करके एक लिक्विड बना रहे हैं या वर्टेक्स कर रहे हैं, हमारे पास कोई इन्फेक्शियस मटेरियल है उसको हम वर्टेक्स कर रहे हैं, और या पर हमारे पास कोई इन्फेक्शियस लिक्विड है उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि एरोसोल पार्टिकल जनरेट हो सकते हैं. जो एरोसोल पार्टिकल्स और जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरोसोल पार्टिकल एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स. जो एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर होता है, और जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो लेस देन फाइव सॉरी ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 100 माइक्रोमीटर होता है. ये इतना थोड़ा क्या लगे इनका डायमीटर स्मॉल होता है कि हम उसको नेक आज से नहीं देख सकते. जो हमारी आइज होती है, नॉर्मली हम जो ऑब्जेक्ट्स या कोई भी ड्रॉपलेट्स हैं अगर उनका साइज लेस देन 100 माइक्रोमीटर है तो हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और अगर ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर है तो उसको हम नेक्ड आई से इजीली देख सकते हैं. तो इट मींस के जो हमारी आईज की जो रेजोल्यूशन है वो 100 माइक्रोमीटर है. रेजोल्यूशन मीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन सेपरेटली. वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसके ऊपर हम दो ऑब्जेक्ट्स को अलहदा अलहदा देख सकते हैं उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आईज की जो रेजोल्यूशन वो 100 माइक्रोमीटर होती है, जो लेस देन 100 होते हैं लाइक एरोसोल पार्टिकल्स या स्मार्ट ड्रॉप उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिसकी वजह से क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम उसको इनहेल कर लें या उनकी वजह से जो वर्किंग जो एरिया है वो कंटेमिनेट हो जाए. तो ये बेसिकली जो एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं इनको टैकल करने के लिए
इनको डिकंटेमिनेट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो होता है बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। तो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये जो एरोसोल पार्टिकल्स हैं उनको वो डिकंटेमिनेट कर देता है। तो उसके अंदर हीपा फिल्टर होता है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर जो फिल्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के अंदर ये हीपा फिल्टर मौजूद होता है, जो जो एयर होती है उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं या एरोसोल ड्रॉपलेट्स या स्मार्ट ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये उनको डिकंटेमिनेट कर देता है। ये एक मैकेनिकल फिल्टर है, ट्रैप्स हार्मफुल पार्टिकल फ्रॉम एयर व्हेन पास थ्रू मैश फ्रेम। और उसके बाद जो है 99 पर, अगर ये आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है कि यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का है पेपर नजर आ रही है, बेसिकली फिल्टर पेपर है और इसके अंदर एल्यूमिनियम की सपोर्ट है जो सेपरेट कर रही है हमारे जो फिल्टर है, और उसके ऊपर जो फिल्टर का फ्रेम है, और ये बेसिकली आपको ये नजर आ रहा है कि ये सारे का सारा क्या ये फिल्टर है और इसके अंदर ये एल्यूमिनियम सेपरेटर लगा हुआ है। तो जो हमारे पास जो फिल्टर पेपर होता है या हीपा फिल्टर होता है, इसका जो इसके अंदर जो पोर्स होते हैं उनका डायमीटर 0.3 माइक्रोमीटर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि 99.97% जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है। अगर जो पार्टिकल्स हैं या एरोसोल ड्रॉपलेट्स हैं इनका साइज 0.3 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो तो वो इजिली ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए 99.99% चांसेस होते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिकंटेमिनेट हो जाते हैं। अगर उनका साइज ग्रेटर देन 0.3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है तो फिर क्या होता है कि 99.99% जो हमारी एयर होती है वो डिकंटेमिनेट हो जाती है। बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट जो होता है ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द लेबोरेटरी वर्कर एंड इन्वायरमेंट। और जो फिल्टर शीट होती है वो मेड अप ऑफ एदर सिंथेटिक मटेरियल, ये सिंथेटिक मटेरियल की बनी हो सकती है या फिर ये फाइबर ग्लास की बनी हो सकती है, लाइक एलुमिनिया, सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। और उसके अलावा फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हीपा फिल्टर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या होता है कि इसको ये लाजमी होता है कि उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाए, और इसके अलावा इसको रीसर्टिफाइड रेगुलरली बाय क्वालिफाइड पर्सन, कोई भी डेडिकेट पर्सन जो है वो इसकी क्वालिटी को रेगुलरली चेक करे कि हीपा फिल्टर जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद हम ये बेसिकली हीपा फिल्टर तो जो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स हैं या हमारे पास जो लैमिनर फ्लो हुड जो होता है इसके अंदर ये इंस्टॉल होता है, और ये हीपा फिल्टर जो होता है बेसिकली जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको डिकंटेमिनेट करता है। तो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के अंदर जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि दो तरह के यूज किए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, फर्स्ट वन इज लैमिनर फ्लो हुड एंड द सेकंड वन इज बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। जो लैमिनर फ्लो हुड है, देर आर टू टाइप्स ऑफ लैमिनर फ्लो हुड, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। एंड बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स आर डिवाइडेड इंटू फोर थ्री क्लासेस, क्लास वन, क्लास टू एंड क्लास थ्री। जो क्लास टू बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया A1, A2, B1 एंड B2, फोर क्लासेस के अंदर इसको सब डिवाइड किया गया। अब हम इनको वन बाय वन करके इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज लैमिनर फ्लो हुड। लैमिनर फ्लो हुड क्या है? इसके नाम से ही वाजे होता है कि लैमिनर मीन के स्मूथ फ्लो ऑफ एयर है, यूनि डायरेक्शनल है और स्मूथ जो है स्मूथली एयर फ्लो करती है। इसके अंदर एयर इज टेकन थ्रू फिल्टर पेपर एंड ब्लोन टूवर्ड्स यूजर, कि एयर जो है वो फिल्टर पेपर के थ्रू इंटर होती है और जो यूजर की तरफ ये स्मूथली मूव करती है। और इसका जो प्रोडक्ट होती है या सैंपल जो हमारे पास होता है वो तो प्रोटेक्ट रहता है, लेकिन जो यूजर होता है या एनवायरमेंट होता है वो इसे प्रोटेक्ट नहीं रहता, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और इसके अलावा इसके अंदर अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है कैटेगरी सी की वो मौजूद होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जर्मिसाइड होते हैं वो इसे इजिली स्टीरलाइज हो जाते हैं, उसको इजिली हम डिकंटेमिनेट किया जा सकता है। और इसका एक और भी प्रिंसिपल ये है कि बायोलॉजिकल से जो हमारे पास लैमिनर फ्लो हुड है इसको यूज करने से पहले 15 मिनट के लिए अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है इसको ऑन किया जाता ताकि जो इंटरनल जो कंटेमिनेंट है उसको रिमूव किया जाए। और देर आर टू टाइप्स ऑफ लैमिनर फ्लो हुड, फर्स्ट वन इज हॉरिजेंटल लैमिनर फ्लो हुड एंड द सेकंड वन इज वर्टिकल लैमिनर फ्लो हुड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लैमिनर फ्लो हुड? जो फर्स्ट वन इज दैट इज लैमिनर फ्लो हुड एंड द सेकंड वन इज हॉरिजेंटल, सॉरी द फर्स्ट वन इज हॉरिजेंटल एंड द सेकंड वन इज वर्टिकल लैमिनर फ्लो हुड। हॉरिजेंटल के अंदर क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे
ब्लोर लगा होता है, क्या करता है कि जो एनवायरनमेंट है वहां से एयर को ड्रा करता है और उसके बाद इसको यहाँ पे ब्लोन करता है, और ये एयर जो है फिल्टर पेपर से पास आउट होने के बाद यहाँ पे यूजर होता है, और ये वर्किंग एरिया है जहाँ पे क्या लगे इंडिविजुअल या लेबोरेटरी वर्कर जो है वो काम कर रहा होता है अपने प्रोडक्ट या सैंपल के ऊपर, और ये एयर जो है डिकंटेमिनेट होने के बाद यूजर की तरफ मूव करती है। तो अब यहाँ पे चांसेस ये होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास वर्किंग मटेरियल होता है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं उससे एरोसोल पार्टिकल जनरेट होते हैं, वो इस एयर के साथ यूजर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूजर है और इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है वो तो प्रोटेक्ट नहीं रहता, लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो इससे प्रोटेक्ट रहती है। और वर्टिकल लैमिनर फ्लो के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होती है यहाँ पे हॉरिजेंटली जो एयर फ्लो थी और यहाँ पे वर्टिकल एयर फ्लो है, तो इसीलिए हम इसको वर्टिकल जो है लैमिनर फ्लो हुड बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो ब्लोअर लगा होता है वो एयर को सक करता है एनवायरनमेंट से, करने के बाद इसके अंदर जो हॉरिजेंटल के अंदर फिल्टर पेपर सामने की तरफ मौजूद होता है, और यहाँ पे जो फिल्टर पेपर है वो टॉप के ऊपर जो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट की टॉप के ऊपर मौजूद होता है, तो यहाँ से एयर जो है वो ब्लोअर के जरिए से फिल्टर पेपर से पास आउट होने के बाद सैंपल के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर वर्टिकली पड़ती है, तो इसलिए हम इसको वर्टिकल लैमिनर फ्लो बोलते हैं। कीप इन माइंड दैट अकॉर्डिंग टू WHO लैमिनर फ्लो कैबिनेट्स आर नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। लैमिनर फ्लो हुड जो है ये बेसिकली इसको हम बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट की जगह पे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद अब हम बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट को देखेंगे कि बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स की जो टाइप्स हैं उनको वन बाय वन करके इसमें अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो क्लास 1 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है ये इसकी डायग्राम है कि बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट जो है इसका फ्रेम कैसा होता है कि आपको नजर आ, ये बेसिकली इसका जो साइड व्यू है ये ओपनिंग एरिया, यहाँ से एयर जो है जो हमारी जो एनवायरमेंट से एयर बायोलॉजिकल जो बायो सेफ्टी कैबिनेट होता है इसके अंदर मूव करती है, ये हमारा वर्किंग एरिया है, और उसके बाद यहाँ पे प्लैनर मौजूद होती है जहाँ से एयर पास आउट होने के बाद क्या करती है कि यहाँ पे एग्जास्ट लगा होता है और एग्जास्ट के अंदर हीपा फिल्टर इंस्टॉल होता है, जो हीपा फिल्टर है वो इस एयर को डिकंटेमिनेट करके इन्वायरमेंट के अंदर भेज देता है। तो अब यहाँ पे जो एयर आ रही है इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0.36 मीटर पर सेकंड होती है, 0.36 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एयर जो है जो हमारी वर्किंग एरिया वहां पे आ रही होती है। तो इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर तो हमारी जो एनवायरनमेंट की जो एयर अनस्टीरिलाइज है तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट होती है उसके कंटेमिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ से एयर सर्कुलेट होने के बाद क्या करती है कि प्लैनम के थ्रू हीपा फिल्टर से पास होने के बाद जो 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो हमारी लैब के अंदर एयर रह सकती है अगर एग्जास्ट सिस्टम अगर ये जो एग्जास्ट है कैबिनेट एग्जास्ट जो है अगर वो किसी डक्ट सिस्टम के साथ अटैच नहीं है या फिर कह लें कि उसका एयर का जो फ्लो है वो आउटसाइड द एनवायरमेंट नहीं है, तो फिर क्या होता है कि ये एयर जो है अगर हमारी लैब के अंदर रहेगी तो वो डिकंटेमिनेट एयर होगी। तो इस तरह से एक तो यहाँ पे यूजर काम कर रहा है, यूजर की तरफ जो कंटेमिनेटेड जो एयर है वो यूजर की तरफ मूव नहीं करती, वो बल्कि जो प्लैनम है उसकी तरफ मूव कर जाती है, तो उसकी रीजन यही होती है कि यहाँ पे ब्लोअर लगा था जो इस एयर को खींच रहा होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे ये चीज के जो यूजर प्लस इन्वायरमेंट बोथ आर प्रोटेक्टेड व्हेन वी यूज द बायोलॉजिकल सेफ्टी क्लास 1। अगर हम क्लास 1 बायोलॉजिकल सेफ्टी यूज करते हैं तो इससे यूजर और इन्वायरमेंट जो है वो तो प्रोटेक्ट रहता है, लेकिन इन जो प्रोडक्ट होती है या सैंपल है या कोई भी हमारे पास कह लें कि मटीरियल जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो कह लें कि जो प्रोटेक्ट नहीं होता नहीं रह सकता। उसकी रीजन ये होती है कि अगर तो एयर जो एनवायरनमेंट से आ रही है अगर वो कंटेमिनेटेड है तो वो डायरेक्ट एयर जो है हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आ रही है, तो इसलिए उसके कंटेमिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जो यूजर और इन्वायरमेंट वो दोनों इससे प्रोटेक्ट रहते हैं, यही इसका डिसएडवांटेज है। इसके अंदर जो एयर फ्लो है वो जब हमारे प्रोडक्ट है उसके ऊपर आके पड़ती है तो उसके अंदर जो एरोसोल पार्टिकल्स हैं या बाकी जितने भी कह स्मार्ट ड्रॉपलेट्स हैं
वो उसी एयर के साथ मूव कर जाते हैं प्लैनम के अंदर, और प्लैनम से जो एग्जॉस्ट के अंदर जो फिल्टर हिपा फिल्टर इंस्टॉल होता है, वहां से फिल्टर होने के बाद जो एयर है फ्रेश एयर जो है डिकंटेमिनेटेड जो एयर है वो इन्वायरमेंट के अंदर आती है। तो इसलिए वो जो एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं वो कह लें कि इन्वायरमेंट और यूजर के लिए इतने हार्मफुल नहीं होते। तो बाकी इसके जो क्लास वन बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है, ये रेडियो न्यूक्लाइड्स प्लस वोलेटाइल टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उनके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो रिसर्कुलेटेड एयर है वो 0% होती है, कि जो एयर है वो इसके कैबिनेट से जब एक दफा गुजर जाती है तो वो दोबारा वापस कैबिनेट में नहीं आती, 100% जो एयर है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। तो इसको हम जो रिसर्कुलेशन है एयर की वो क्लास 2 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के अंदर होती है, उसको हम जब हम क्लास 2 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। और एग्जॉस्ट सिस्टम इसके अंदर हार्ड डक्ट होती है। अच्छा, इसके अंदर मैंने पहले आपको बताया कि जो एयर है फ्रॉम द कैबिनेट इज एग्जॉस्ट थ्रू हिपा फिल्टर। इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एयर जो बिल्डिंग का जो एग्जॉस्ट होता है उसके थ्रू आउटसाइड द एनवायरमेंट जाए, और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जो एयर है वो जो लैब के अंदर ही मौजूद रहे, और थर्ड सिस्टम ये होता है कि विदाउट बिल्डिंग एग्जॉस्ट सिस्टम और एनी डक्ट जो जो एयर है वो डायरेक्टली आउटसाइड द एनवायरनमेंट चली जाए। तो 3 पॉसिबिलिटी होती हैं इस एयर को एग्जॉस्ट करने की। उसके बाद हिपा फिल्टर मे बी लोकेटेड इन द एग्जॉस्ट प्लैनम और ऑफ द बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट और इन द बिल्डिंग एग्जॉस्ट। ये जो हिपा फिल्टर है वो या तो यहाँ पे इंस्टॉल हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक डक्ट सिस्टम प्रॉपर होता है और वो डक्ट सिस्टम जाता है जो बिल्डिंग का जो एग्जॉस्ट होता है वहां पे, और वो जो बिल्डिंग का एग्जॉस्ट होता है वहां पे हिपा फिल्टर लगाता है जो इस एयर को डीकंटेमिनेट करने के बाद इन्वायरमेंट के अंदर भेजता है। और क्लास 1 जो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट आर इक्विप्ड विद एन इंटीग्रल एग्जॉस्ट फैन, इसके अंदर फैन भी मौजूद हो सकता है जो इस एयर की जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। ये सा बेसिकली हमारा क्लास 1 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। और उसके बाद हम क्लास 2 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट और क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।